पीएम मोदी आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की रखेंगे नींव। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम हैदराबाद में एक सार्वजनिक समारोह में लेंगे हिस्सा। एम्स बीबी नगर की रखेंगे आधारशिला। कई रेल परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का भी करेंगे दौरा। असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। थोड़ी देर में सुखोई 30 एमपीआई में उड़ान भरेंगे राष्ट्रपति। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से करेंगी टेक ऑफ। अडानी पर जेपीसी की मांग वाले बयान पर शरद पवार ने दी सफाई। कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल लाएगा सच्चाई सामने। दिल्ली में कर्नाटक कोर ग्रुप की आज बैठक। कर्नाटक विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर की जाएगी चर्चा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में नड्डा के घर उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। 9 अप्रैल को बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग। गोरखपुर के सहजनवा में ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे आज सीएम योगी। करीब 10.5 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेडियम। कैलाश विजयवर्गीय के लड़कियों पर विवादित बयान की कांग्रेस नेता उदित राज ने की निंदा। कहा आप कौन होते हैं पूछने वाले। विजयवर्गीय ने दिया था विवादित बयान। संत उमेशनाथ महाराज का बयान। देश में शंख घंटे घड़ियाल की आवाजें बंद। सुनाई दे रही है 5 वक्त की अजान। राष्ट्रीय सेवा संगम में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बोले मिशनरियों से बेहतर काम कर रहे हैं आध्यात्मिक हिंदू गुरु। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को तमिलनाडु के कांग्रेस नेता की धमकी। का सत्ता में आएंगे तो जीभ काट देंगे। नेता के खिलाफ मामला दर्ज। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी घोषणा। ग्वालियर के कालीन उद्योग को मिला जीआई टैग। नगर निकाय चुनाव का शंखनाद। एसपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाए प्रभारी। सिद्धार्थनगर सीट पर माता प्रसाद पांडे ओंकार सिंह प्रभारी। आजम खान के रामपुर में बने पार्टी ऑफिस पर मंडराया। कार्रवाई का खतरा। यूपी सरकार ने दिए जांच के आदेश। 100 रुपए साल के हिसाब से 30 साल कई लीज पर लिया था। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता पर बढ़ाया गया इनाम। 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया इनाम। दिल्ली के एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर प्लास्टिक गोदाम में आग लगी। दमकल की 26 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिहार के वैशाली में भीषण आग का कहर। 100 घर जलकर खाक। कई मवेशियों की मौत। आग से 50 लाख से ज्यादा का नुकसान। 8 दिनों के बाद सासाराम में इंटरनेट सेवा बहाल। 31 मार्च को हिंसा के बाद से बंद थी इंटरनेट सेवा। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली पुलिस में तैनात दरोगा के 2 बेटों को पिटबुल कुत्ते ने काटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करने वाले कैदियों की लगी लंबी लाइन। कोविड के दौरान पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सरेंडर के निर्देश। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में नमाज के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत। दोनों पक्षों में 20 सड़क पर जमकर चले लात घुसे। महिला समेत 7 लोग घायल। वीडियो वायरल। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। दिल्ली में 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए केस आए। 2 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अलर्ट रहने को कहा। यूपी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। राजधानी लखनऊ में कोरोना से 1 की मौत। पिछले 24 घंटे में 120 एक्टिव केस।